हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हम सब यहाँ इंजॉय कर रहे हैं शाम की मिनी पार्टी, जो कि आज पता नहीं क्या हुआ, किचन में काम करते देखिए आप, पसीना और गर्मी देखिए, पूरे जो है गीले हो रखे हैं मैं और कन्या। तो हमारा मूड एकदम से ख़राब हुआ गर्मी से, हमने कहा हम जा रहे हैं बाहर गोलगप्पे खाने। तो मैं और छोटी निकल रहे थे तो कार्तिक भी पीछे पीछे लग लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब एक बच्चे को खिला दें और घर में बाकी सब रह जाएं। तो भाई ऐसा हम लेडीज तो नहीं सोचती हैं, क्यों छोटी? अब कुछ लोग सोचते हो अकेले पार्टी करके आ जाते हो, लेट जाते हो, तो वो बात अलग है, वरना हम तो किसी को नहीं छोड़ते। तो बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मम्मी के टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ वड़ा पाव। शिव मंदिर जो है शिव चौक पे, वहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने एक लेडी है, वो न्यू उन्होंने अपना वो लगाया है सेटअप, वहाँ बहुत भीड़ देखी हमने, तो हमने कहा चलो आज हम भी ट्राई कर लेते हैं। हम एक दिन और भी गए थे पर वहाँ उनके पास सामान उस समय जो है वो ख़त्म हो गया था। तो कैसा है मम्मी वड़ा पाव आपको? माँ इकट्ठा को खाए के छे अकरा तीनों के, इन्हा में तो खाली ब्रेड खाई थे तीन, है ना? तो कोई कोई समझ गया होगा इशारा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और नहीं तो क्या। गाइस बड़ी बड़ी मस्त पार्टीज करके आते हैं, भाभी आज खाना, छोटी को बोलेंगे मोनी आज मेरा रोटी मत बनाना मैंने खा लिया, बउआ कभी हमारे लिए भी कुछ लेके आया करो। अरे भाभी दोस्त यारों में बच्चों में कहाँ होता है, तो हम इनके लिए ले आए हैं बस एक चोको बार, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ मैं ले आती हूँ उनके लिए भी, ये सारी मजाक की बातें, पर उस लेडी के पास सामान ही नहीं था, खत्म हो गया था। इवन क्या कहते हैं कार्तिक के लिए मुझे बर्गर लेना पड़ा। कार्तिक आप क्या खा रहे हो? बर्गर। और मैं आपको बताती हूँ एक ट्रेजेडी, हम खाने गए थे गोलगप्पे जो हमने नहीं खाए, क्योंकि उसके पानी गर्म था। क्यों? वह रीजन क्योंकि उसके पास ठंडा पानी नहीं था, हम गए थे गर्मी से परेशान होकर कुछ अच्छा और चटपटा खाने, तो फिर हमने क्या खाया भल्ले पापड़ी, और इतना महंगा है ये सब कुछ कि हम दोनों ने एक ही प्लेट में मैनेज कर लिया है ना? नहीं डालते हैं, बोलते हैं कि बर्फ डाल देते हैं 10 मिनट में पानी फिर नॉर्मल हो जाता है, ऐसी गर्मी है तो फिर वो पानी का स्वाद उतरता जाता है। हमने आज बल्ले पापड़ी खा लिया। तो ये है हमारा छोटा सा कमरा गर्मी का, जिसमें हम पूरा परिवार इकट्ठे रहते हैं सारा दिन। मम्मी को हंसी आ गई। तो बड़ा घर, आप पूरा घर तो आप सभी ने देख ही रखा है, ये है फिलहाल मिनी हाउस जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं, हमारे देवा जी आके आराम भी करते हैं, मम्मी यहीं रहती हैं, हम दोनों किचन से आके यहीं पसीना सुखाती हैं, शुभी यहीं खेलती है, और शुभी ने आज जो मन दुखी किया है मैं आपको क्या बताऊं गाइस। बीच में कॉल आ गई थी इनके फोन पे, तो मैं ये कह रही थी कि शुभी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। आप सभी ने आज का व्लॉग देखा होगा कि शुभी के लिए हम वाकर लेके आए इतनी प्यार से, इतनी इच्छाओं से कि शुभी उस पर पूरे घर में खेलेगी। इवन मैंने जो है मतलब सोच लिया था कि इसकी वीडियोस बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, पता नहीं क्या क्या, पर स्टार्टिंग में आप सभी ने व्लॉग में देखा कि बहुत खुश हुई, उसमें बैठ गई और हंस रही थी। उसके बाद से तो ये देखो सारा दिन ये लड़की गिरती पड़ती रहती है, गिर गई कोई बात नहीं, बहुत बहादुर है, देखना रोएगी भी नहीं शुभी, हमारी शुभी बहुत ब्रेव गर्ल है। नाक पे चोट लगा ली है, घुटने पे लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, इतनी चंचल है, इतनी चंचल है कि इसे कहीं ना कहीं रोज चोट लग जाती है। जस्ट अभी केशव ने जो है उसकी मम्मा को दिया, उतने में वो लुढ़क गई है ना। मैडम जो है वो वाकर पे नहीं बैठ रही है और बहुत ज्यादा ही रो रही है, मतलब बिल्कुल टिकने को ही तैयार नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो फिलहाल हम लोग कोशिश जारी रखेंगे, 2 दिन तक हम लोग कोशिश करने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो फ्रेंडली हो जाएगी, फ्रेंडली हो जाएगी। और ये आए हैं शॉप से बनियान वनियान ऊपर करके कि मेरे सर में बहुत दर्द है, है ना? आप सभी ने देखा होगा इनके हाथ में चोट लगी हुई थी, आज इन्हें डॉक्टर के जाना था और ये नहीं गए क्योंकि इनके सिर में दर्द है, और ये यहाँ पे फोन देख रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको अपने देवर की सच्चाइयों से रूबरू करा रही हूँ गाइस। बस मम्मी का हो गया, बस मम्मी ने आधा खाया है, आधा छोटी बहू और बड़ी बहू टेस्ट कर लेंगी। ये लो प्रसाद, ये आपको तो नहीं देंगे, आपको नहीं मिलेगा। देखिए बउआ सबसे, देखिए सर दर्द वाले कितनी तेजी में देख रहे हैं, ये फेवरेट, मुझे लगता है मम्मी ने छोड़ा ही इनके लिए कि इनके लिए नहीं आया है। ओ ये है राज की बात, नहीं नहीं मम्मी पकड़ी गई, नहीं नहीं मम्मी की चोरी पकड़ी गई मम्मी, कुछ नहीं है मम्मी के लिए सब ठीक है। हैं ये कौन बोला?
नहीं, ये सारी बातें अलग हैं। बउआ सबसे प्यारे हैं भाई, बउआ बउआ हैं, ठीक है। तो बउआ के लिए हम नहीं लाए थे, तो माँ तो माँ होती है। वैसे मम्मी इससे ज्यादा नहीं आजकल खाती, एक रोटी जो खाती है तो वो पूरा वड़ा पाव क्या खाएंगी। तो हम तो ऐसे ही चलता रहता है एक दूसरे की, जब तक टांग नहीं खींचते हमारा दिन पूरा नहीं होता भाई। हम चार पांच जने 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से हंसेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, टांग नहीं खींचेंगे, तो पूरे दिन रहेंगे कैसे? ऐसे ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। ये देखिए आप सभी शुभी को हमारी देखिए, नाक तोड़ लिया कहीं से, ऐसे कर दो सबको बाय बाय, पैर दिखाओ ऊपर करो इसे। नहीं नहीं ये नहीं 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 मम्मी सारे लोग होते हैं। हाँ, चोट थोड़ी सी लगी है पर ये बहुत शैतानी है उसको, उसको नाखून लगा। चलो ना बउआ, चलो ना मार्केट चलते हैं और लेके आएंगे। चलो चलोगे? नहीं आप और चलोगे? चलो और लेके आते हैं, मुझे और भी जगह पता है वड़ा पाव वाली। चलोगे? देखा, मैं दो चीज बना सकती हूँ, ये तो चाउमीन वाली फोहू है हमारी। तो मैं देखती हूँ कि उनकी कॉल खत्म हुई है या नहीं, तो उनसे भी मिलवाती हूँ। तो ये आ गया इनके लिए भी वड़ा पाव। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा बनाया। तो आज आपसे बिना पूछे हमने मम्मी को जरूर थोड़ा सा खिला दिया है, क्योंकि मुझे इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो मम्मी को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान कर जाए। मैंने सोचा थोड़ा सा उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना। पर उन्होंने आधा खाया और आधा जो है उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मन से जितना खाया उन्हें अच्छा लगा। हरी मिर्च इसमें है, मसाले वाली चटनी है धनिया की, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? चटनी अच्छी लगी, पाव से ज़्यादा। हाँ चलो ये ठीक है। तो हमारा छोटा सा जो है मूड चेंज हुआ, हम दोनों निकली तो सबके लिए कुछ ना कुछ ले आए हम। और हम जो खाने गए थे हम वो नहीं खा के आए, आप सोचो। इतनी भीड़ थी वहाँ जैसे कि लंगर लगा हुआ, फ्री में गोलगप्पे बट रहे हों। इतना रश था, खाली जेंट्स और लड़के, मुश्किल से दो तीन लेडीज थी वहाँ पे। लड़के ज़्यादा कट्टा खाने में। हाँ, लड़के और जेंट्स अच्छी एज के सब गोलगप्पे की लाइन में खड़े थे। और सारा रिकॉर्ड ही कर दो इतना। और नहीं तो क्या। लड़का मेरे को बदनाम करेगी, भैया जल्दी जल्दी खा लेता है, वैसे तो मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग हो चाहे ना हो, ये एक मिनट में दो मिनट में सब कुछ खा लेते हैं। हर चीज में आलसपन कर जाएंगे, लेट लतीफी के कहलाएंगे, लेकिन खाना बिल्कुल दो मिनट में। मैगी भी दो मिनट में नहीं बन सकती, लेकिन ये खाना दो मिनट में खा सकते हैं। देखिए आपके सामने की बात है, वड़ा पाव खत्म। मैं बीच में होल्ड भी किया था। हाँ, बोलती है। हाँ, जरा सा किया था गाइस, झूठ बोल रहे हैं, आज पकड़े गए। आज बउआ, आज दोनों भाइयों की पोल खोली। एक्चुअली मैंने एक पोल में वहां खोल के आई हूँ, एक मैंने यहाँ खोली है ना। तो यही है शाम हमारी, कभी कभी ऐसे ही जो है ना हमारी हंसती खेलती शाम हो जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम चार जने पांच जने सारा दिन 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम उदास रह के और चिड़चिड़ करके तो रह नहीं सकते। तो हम कुछ ना कुछ एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं। जैसे कि मैं अभी देवर जी को छेड़ के आई, फिर मम्मी को थोड़ा सा बोल के आई कि आप ऐसे कर रहे हो, मतलब आपने उनके, मतलब जो भी है आप सभी सुनेंगे पूरे ब्लॉग में। और यहाँ आके मैंने इनको भी छेड़ दिया कि आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो, दाढ़ी मूंछ में लगा के एकदम फटाफट खा गए, है ना। तो ये जो है ना अच्छा लगा, मतलब घर से निकले अच्छा लगा। बाहर बहुत गर्मी थी, घर में भी उतनी गर्मी थी, फिर भी बाहर निकले अच्छा लगा। शुभी बहुत खुश हुई, उसको एक हमने जो है पापड़ी पकड़ा दी थी गोलगप्पे वाली, बस वो खाते खाते वो आ गई। तो क्या करते हैं आप सभी भी ज्वाइंट फैमिली में जो जो रहते हैं, वो आप सभी भी इस तरीके से किसी किसी शाम को जब कोई स्पेशल बनाने के लिए क्या करते हैं आप सभी भी बताइएगा। बहुत तीखी मिर्च है ना, बहुत तीखी मिर्च है। मम्मी तो बहुत आराम से खा गई, वो तो और पूछ रही थी और है। मैंने कहा नहीं मम्मी, एक एक ही दी उस लेडी ने, महंगी होगी हरी मिर्च, है ना। तो जो भी मेहनत करते हैं बाहर इस गर्मी में आप सभी के लिए, चाहे हमारे लिए, हम खाते हैं, हम भी निकलते हैं, हम भी घर में मेहनत करते हैं। तो हमें पता है जो मेहनत करते हैं खिलाते हैं उनको जो है भगवान बरकत दे, है ना, खूब तरक्की दे। जो भी वो लेडी और वो हस्बैंड जो बाहर आके इस तरीके से कमा रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा उनको देख के। और मोटिवेट करने के लिए जो है हमने कहा कि ठीक है हम टेस्ट करेंगे कि आपने कैसा बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 मिनट लेट हो गया, उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला। तो अच्छे लोग हैं मतलब, है ना। तो ठीक है, छोटा सा ब्लॉग मैंने फटाफट से बना दिया है, कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, है ना। शुभी को भी मैंने दिखा दिया है, शुभी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है।
तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, देखती हूँ मेरे दिल के टुकड़े जोड़ पाती है या नहीं जोड़ पाती है, शैतान उस वाकर में बैठती है कि नहीं बैठती है ना। बाय बाय, राधे राधे।